अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़, पहले तो ये बताना चाहता हूं कि यार काफी दिनों के बाद आया हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, चल झूठा की वजह से डेली व्लॉग नहीं हो सका। तो माफी चाहता हूँ, पहले यार माफ कर दो। 150 रुपया देगा। हाँ यार पक्का, अब से वीडियो रेगुलर आए। झूठ बोलना पे रोज वीडियो बनाया करो, अठी दिन मुंह चक के आ जाना वीडियो बना। तो इसने भी कह दिया, तो भाई आपकी आज से मैं मान लेता हूँ, आज से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस बनाने आया करूंगा। तो आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि आज हमारे फार्म पे एक और न्यू फार्म बन रहा है। तो आप दिखाता हूँ आपको, छोटे जानवर के लिए हम फार्म बना रहे हैं। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि आज की रूटीन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैर उतार रहा है, सब्जा वब्जा यहाँ से उतार रहा है। तो अभी इसको देखते हैं कि ये रेडी ले आया सब्जे की, और यहाँ पे बाकी अपनी रूटीन चल रही है। तो ये अभी यहाँ से मतलब कि सफाई हो रही है, कमर सफाई वगैरह कर रहे हैं, बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं। छोटे कबूतर देख लेते हैं एक दफ़ा, ये देखो छोटे जानवर यहाँ पे हैं छोटे छोटे, इनके लिए न्यू बन रहा है वो फार्म। कबूतरों ने बच्चे दिए हैं, पता नहीं यार कि नहीं दिए, नहीं दिए यार बच्चे, नहीं दिए। किधर है बच्चे? अंडे दिए यार, वाह देखो इधर अंडे भी लगे कबूतरों के, कबूतरों ने अंडे दिए हैं तो बच्चे भी देंगे। और ये देखो बच्चे यहाँ पे, बच्चे तेरी कैसी दिशा, हरामनियाँ लगा रहे ने। और यहाँ पे विनी की भी डेट आ चुकी है, बस एक आधे दिन तक विनी भी प्रेग्नेंट बच्चे दे देगी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे विनी का घर है। और ये देखो यहाँ पे गन्ने वगैरह लगा कर इसको बंद कर दिया चारों तरफ। विनी कहाँ गई? यहाँ पे उसने बच्चे देने हैं, ये उसका घर है और यहाँ पे वो देगी बच्चे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे है विनी। यहाँ पे जानवरों को सब्जा वगैरह डाल दिया ये देखो, और ये देखो काऊ वगैरह अपना यहाँ पे सब्जा मब्जा खा रही हैं। इनके मिल्किंग होगी थोड़ी देर के बाद। हमने काफ़ी सारी काउस न्यू ली हैं, और कुछ पुरानी जो थी ज़्यादा एज की हो गई हैं उनको हमने यहाँ पर बेच दिया है, और न्यू काफ़ी सारी काउस ली हैं। तो आपको वो बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा हमारी कंस्ट्रक्शन जो कि चल रही है। तो गाइस यहाँ पर हैं हमारे छोटे जानवर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी इनके लिए बन रहा है यहाँ पे न्यू शेड वगैरह। तो ये आपको अभी दिखाते हैं, ये देखो इनको काउंट करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। यहाँ पे बन रहा है शेड, ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे बुर्जियाँ वुर्जियाँ यहाँ पे बना दी हैं। तो अभी यहाँ पर सीमेंट वीमेंट पड़ा है, यहाँ पे मसाला वगैरह, और यहाँ पे गार्डर गार्डर वगैरह ऊपर लगा के, और कानों की छत डालेंगे, क्योंकि पहले तो हमने वो दूसरे फार्म पर डाली है सीमेंट की शेड। तो ये छोटे जानवरों के लिए है, और ये सारे रावी के जानवर है, ये छोटे कटियाँ कटे रावी के जानवर। तो इसके बाद यहाँ पे बाबा कभी कह रहे हैं ये नीली के हैं, ये सारे जानवर छोटे कटियाँ कटे नीली के हैं कि रावी के, आई डोंट नो, बट बाबे जी ने कह दिया कि ये सारे नीली के हैं। तो ना तो मुझे ये पता कि ये नीली है या रावी है, बट उधर से आवाज़ आई है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गार्डर पड़े हैं, इनको अभी इन बुर्जियों के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर छत डाल देंगे कानों की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कानों की क्या। और यहाँ पे विनी सो रही है, इसने कल को बच्चे दे देने। तो यहाँ पे कानों की छत पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये बांस वगैरह लगेंगे, खुरलियाँ वगैरह छोटे जानवरों के लिए बनाई जा रही हैं। ये हाफ साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। असल में ना ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थी काफ़ी ख़राब, जिसकी वजह से ये तो नहीं मैं बना सका वीडियो। तो आज आया हूँ यहाँ पे, मैंने सोच लिया कि चलो आओ आपको दिखा देता हूँ। तो भाई आज से इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर आया करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज यहाँ पे खुलियाँ वगैरह बनेगी, और कल को ऊपर छत डाल दी जाएगी, या फिर आज ही। आज टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर छत डलेगी, कल को छत डल जाएगी। और यहाँ पर अभी खुलियाँ वुलियाँ बन रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अभी मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है, भाई साहब फुल हो गई है बाल्टी। कितनी स्मूथनेस से मिल्क निकल रहा है यहाँ पे। और ये काऊ हमने लिए न्यू, 360,000 की ये न्यू काऊ लिया हमने। तो माशाल्लाह ये दूध दे देती है एक टाइम का 18-18.5 लीटर एक टाइम का। यहाँ पर हम छोटे जानवरों के लिए न्यू रस्सियाँ लेके आए हैं, ये देखो
जो मैं यहाँ पर डाल रहा है, बाकी सारे जानवरों की रस्सियाँ चेंज की जाएंगी क्योंकि पुरानी रस्सियाँ तो काफ़ी ख़राब खराब हो चुकी हैं, रोज़ खोल लेते हैं रात को और बाहर घूमते फिरते रहते हैं। तो आज इनकी रस्सियाँ वगैरह भी चेंज हो रही हैं। यहाँ पे कितना चोल है? चोल है 3 किलो। और कितना होना है? बस 3 किलो ही दिन दिए। अच्छा सही है। सतवा मौके ठे होंदे तैयार है मैं माशाल्लाह नजदीक के सोमन में। सही हो गया। हां जी सुई हो गए ना ताजी। हां जी ए मैं माशाल्लाह 14-15 किलो टाइम दा करण वाली है ए वाली। हां जी तो गाइस झूठ बरंदा पे निरा झूठ। कितना दिन दिए फिर? कम से कम 6 तो रख के 5 ताई दिन दिए बस। हां तो हमारे गांव की तरफ। अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि काउज की मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो काउज की मिल्किंग दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखो माशाल्लाह काउज कितने महीने रहते? तो ये 4-5 महीने अभी लेगी सोने में, तो अभी इसका एक टाइम का हो जाता है 5-6 लीटर दूध। अच्छा कोऑपरेट कर रही है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना, मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।